दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। कोरोना महामारी के प्रकोप से सोलन जिला की जेल भी अछूती नहीं रही। जिला कारागार सोलन में 132 कैदियों में से 65 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें जेल के अलग बैरक में आइसोलेट किया गया है। वर्तमान में सोलन कारागार में 2 बैरक हैं, इनमें से एक संक्रमित कैदियों को रखा गया है जबकि दूसरी में बाकी कैदी है। स्वास्थ्य विभाग इन संक्रमित कैदियों के संपर्क में आए अन्य 68 कैदियों के भी सैंपल लिए गए हैं। कैदियों के साथ जेल के 2 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सहायक आयुक्त एवं जेल अधीक्षक भानु गुप्ता ने बताया कि जिला उपकारागार में 65 कैदी संक्रमित हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मरीजों पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसमें से अभी हमारे पास 65 जो हैं वो पॉजिटिव हैं और 67 जो है नेगेटिव हैं। इसमें हमारा टोटल 66 था जो पॉजिटिव था, लेकिन एक इनमेट्स की कल बेल हो गई थी तो उनको हमने जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करके उनको होम आइसोलेशन में भेज दिया था। तो अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 65 और 67 का डाटा है, जिसमें 65 पॉजिटिव और 67 जो है नेगेटिव हैं। इसमें हमने इनमेट्स को जो है अंदर ही आइसोलेट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास टोटल जो है 4 बैरक हैं। इसमें 2 बैरक हमने कोविड पॉजिटिव इनमेट्स के लिए डिफाइन की है और उनको 2 बैरक में अलग से आइसोलेट किया हुआ है, और जो नेगेटिव इनमेट्स हैं हमारे वो हमने अलग से 2 बैरक में रखे हुए हैं ताकि उनकी आपस में मिक्सिंग ना हो। तो जैसे ही हमें इसमें पता चला था कि हमारा एक जो इनमेट था वो पॉजिटिव आया था, जिसका हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया था, उसको कुछ दिक्कत थी, तो उसके इमीडिएट बाद हमने जो है सभी इनमेट्स के यहाँ पे टेस्ट करवाया और इसमें 100% इनकी जो है सैंपलिंग की। तो वो सैंपलिंग करने के बाद जो इतना ये डाटा निकल के आया और इमीडिएट जो है हमने इनको अपनी अपनी जगह पे अलग अलग बैरक में पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग अलग आइसोलेट कर दिया। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हमने सारा टाइप किया और पिछले कल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स की टीम भेजी थी इनको चेक करने के लिए, जिसमें से इनका जो है पूरा स्वास्थ्य जांचा गया और इनकी जो भी दवाइयाँ वगैरह वो शुरू हो गई हैं, और आगे भी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसमें लगातार डॉक्टर की टीम भेज रहा है ताकि इसमें इनका हेल्थ के बारे में पूरा ध्यान रखा जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।